या बिलारी में पंचायत किसानन की हो रही, किसी राजनीति की नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं। और जैसे पंचायत हो रही किसानन की हो रही, इनकी तरह ना हो रही जैसे बंगाल में हो रही पंचायत, और 18,000 रुपए देंगे ये देंगे, हम कह रहे नौकरी दे दो, नौकरी नहीं दे रहे, 14 करोड़ पद हो रहे, 7 साल में डबल हो गए, 2 करोड़ की बात करी ना। लगातार महापंचायत हो रही है ना, उन दो कैसे था लगातार कहना यह है कि महापंचायत किसान वही कर रहे हैं जहां इलेक्शन है। भैया यहां बिलारी में इलेक्शन है आज, यूपी में 2022 में, यूपी में ही, तब बिलारी की बात कर रहे हैं हम, तो बिलारी में आए, बिलारी में आज चुनाव थोड़ी दिखे है क्या भैया? नहीं नहीं है, इलेक्शन है ना जी, लगातार किसान नेता मंच से अपने पैसे कहाँ बांट रहे हो, जो भी व्यक्ति कह रहे हैं इन बात है ना, उनसे पूछे पैसा कहाँ बांट रहे हो, पूछ कहाँ ना, कल को जवाब दियो मुझे वहां बॉर्डर पे। ये बिलारी में पंचायत किसानन की हो रही, किसी राजनीति की नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं। और जैसे पंचायत हो रही किसानन की हो रही, इनकी तरह ना हो रही जैसे बंगाल में हो रही पंचायत, और 18,000 रुपए देंगे ये देंगे, हम कह रहे नौकरी दे दो, नौकरी नहीं दे रहे, 14 करोड़ पद हो रहे, 7 साल में डबल हो गए, 2 करोड़ की बात करी ना। लेकिन उसके बाद भी तो जनता ने चुना था उन्हें, 2014 का मैनिफेस्टो कौन सा 2 करोड़। अब भैया एक बात सुनो, कोई सरकार अगर इतने दिन बाद आती है तो हमने सोची भाई इनको सिस्टम अभी बैठाने में टाइम लगेगा, एक बार और सही, तो यहाँ में भी हमारी गलती है, देखिए ये आंदोलन किसानों का चल रहा है, जो और व्यक्ति आना चाह रहे हैं वे तो कह मैं हम रोटी खा मैं हम भी आएंगे, तो हम मैं क्या उन्हें मना कर दूं, तुम मत आओ भाई, मेरा अधिकार थोड़ी कह सके, ये जन आंदोलन चल रहा, जन जन का आंदोलन चल रहा, किसी राजनीति पार्टी का नहीं चल रहा, किसी एक मंच का नहीं चल रहा, अब वो हाल लगे तो मैं उन्हें कैसे मना कर दूं, एक मिनट में कह देंगे बेटा हम भी तो रोटी खा मैं। ये तीनों कानून जो है इसका असर किसानों पे पड़ेगा या बाकी देश के लोगों पर भी पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर तो सब पे इन पे पड़ेगा जो ये मिडिल फैमिली है, ठीक, पूरी डिटेल में जो पार्लियामेंट वाली भाषा में लिखा हुआ बिल, तो बाकी हमारे बुजुर्ग गांव के ऐसे हो जो नहीं समझ पाते, सीधी वाली बात फटाक से समझ जाए, फिर 4 बात इन्हें समझा भी दें, और जो ठेले वाले हैं छोटे छोटे जो जिनका घर परिवार में होता है उन पे भी असर पड़ेगा, ठीक। और जाइए तुम राशन ले लग रहे हैं ना, जो राशन मिला है बहुत दिन से वहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, देख लियो अब आने वाले उसमें तुम अगर विश्वास नहीं हो रहा। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, ये जो बिल है सबसे ज़्यादा जो नुकसान इसका होने वाला है ये हमारे पूरे देश की जनता को होने वाला, सिर्फ दो भाइयों को छोड़ के, बाकी लोगों को जोड़ने के लिए संयुक्त मोर्चा क्या कर रहा है जी? बाकी लोगों को जोड़ने के लिए किसानों के अलावा देख नहीं रहे बड़े भाई आप क्या हो रहा है, संयुक्त मोर्चा किसान क्या कर रहे हैं जोड़ने के लिए, पंचायतें हो रही है एक दूसरे को समझाया जा रहा, किसानों को बुलाया जा रहा है ना, बाकी नहीं नहीं गलत कह रहे हो आप बड़े भाई, ये कहा जिस जिस से इन बिलों के इफेक्ट होंगे वो सभा और जो अन्न खाते हैं, जो कृषि प्रधान देश समझते हैं, परमात्मा के बाद ईश्वर के बाद इस अन्नदाता को भगवान मानते हैं, वो उन सबको बुला रहे। आपको कोई ऐसा पॉइंट बताइए जिससे बाकी लोगों को नुकसान हो रहा हो? भैया मैंने तो क्लोज बाई क्लोज और पैरा बाई पैरा बता रखे, क्लोज नंबर 7 में पढ़ लेना, पैरा नंबर 4, क्लोज नंबर 3 में पढ़ लेना, मैंने तो बता रखे, कोई भी चीज अगर किसी भी, सबसे बड़ा उदाहरण दे देते हैं, कोई भी चीज अगर किसी चीज की लिमिट प्राइवेट लोगों के पास होगी तो आप बताइए कि प्राइवेट व्यक्ति उस चीज को लिगाड़ेगा कब? अभी आलू 60 रुपए किलो बिका, बिका नहीं बिका, अपने स्टोर में कैद कर लिया, और जब लिगाड़ा महंगा करके लिगाड़ा, और हमारा आलू आ रहा 8 रुपए किलो 6 रुपए किलो, बताओ तुम। अब ये लिमिट जो है सिर्फ सरकार के पास होनी चाहिए, ये किसी उद्योगपति के पास नहीं होनी चाहिए लिमिट। गैस के दाम बढ़ रहे हैं किसान, गैस के दाम भाइयों और बहनों मित्रों में गैस 800-900 की होगी, तुम्हें भी नहीं पता, चलो तुम्हें भी नहीं पता चला भैया, अब देख लो कैसे हो रहा, इफेक्ट पड़ रहे नहीं पड़ रहे, युवा बेरोजगार घूम रहा, आज तुम पैदल लिखाड़ा लगो 10 करोड़ फटाक सुना भर जाता बात है, तो यू नुकसान हो रहे नहीं हो रहे बताओ तुम। अरे ये 1800-1800 रुपए लिखड़ा रेट, 1100-1100 रुपए और 800-800 रुपए बिके हैं ये, अभी हमारे पीछे सी गेहूँ चावल पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। ये तो एक अच्छा मौका है कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर नागरिक को इससे जोड़ने के लिए इसके खिलाफ भी आवाज उठती है। देखिए जो श्रीलंका है रावण की भूमि, वहाँ पेट्रोल का दाम क्या, नेपाल सीता माँ की भूमि बताते हैं लोग बाग, वहाँ क्या है, यू रामराज है, यहाँ देख लो क्या 100 के पत्ता मावे, कहीं ना कहीं वही मिडिल परिवार दबता है। देखिए अब नुकसान हमारा ही हो रहा कि नहीं हो लग रहा, अब ये वहाँ सुना वहाँ प्रेशर वहाँ दबा दिया इन्होंने करके, वहाँ कह रहे हैं 18,000 देंगे, अरे यहाँ 100 के पत्ते में तेल हाल लगाओ, दबरा नहीं दबरे, हम ही तो दबरे भाई, इन्हें जो इतने जो ये तेल पेट्रोल लाम है सब हमारे पैसे सुलाते हैं, अगर इन पे क्या नुकसान है, कोई नुकसान हम पे ही नुकसान, आपके मन से अगर राम का देश कहा जाएगा यही वो कह रहे हैं, देश तो राम का ही है, ये क्या कर रहे हैं राम देश में हमारे, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, देश तो राम का ही है हमारा देश है, धार्मिक उन्माद बढ़ा के जिस तरह से आए हैं ये कौन आए, बीजेपी के लोग, देखिए
हम समझते हैं एक ना एक हीरो जरूर होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो उसकी लाइफ में, चाहे वो पिक्चर का हीरो हो चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई नेताजी हो, वो दिल में बसते हैं। लेकिन एक दिमाग भी आपके पास है, उसका भी इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए देश की जनता को भी और युवा को भी, जो अब हम कर रहे हैं। अच्छा भैया धन्यवाद। आप भी भैया आप एक बात बताओ, तुम इन फ्यूचर की बात करने लगो, गर्व के गोद में क्या है आप बताओ, धरने पे भी तो किसान इन फ्यूचर के लिए बैठे हैं। देख लीजिए मेरी बात, तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ से बात ले जाके पहले उन्हें बता दो, उनकी एक बात मुझे बताते नहीं हो आके, यूँ तुम्हारी गलत बात है, पहले से पहले उन्हें बता दो तुम सारी बात, हमें भी एक आधे पूछ के बता, देख रहो पढ़ेगो। जब जब इस देश के किसान को किसी सरकार ने परेशान करो ना, तो वह सरकार पर असर पड़ो। 2013 के बाद चुनाव जो 14 में हुए गवाह है इस बात के, 1947 के बाद जितने आंदोलन किसानों ने करे हैं, किसानों का नुकसान किसी ने करा तो हर पल गवाह है वो। आंदोलन जी भी परी जी भी, उसके बाद मोदी जी ने कहा है कि पवित्र अपवित्र लोग भी हैं इसमें, कितना इत्तेफाक रखते हैं। देखिए हम तो कहते हैं हम आंदोलन जीव हैं, माननीय मोदी जी इस बात को शायद भूल गए हैं कि देश में आंदोलन जीवी नहीं होते तो हमारे देश को आज़ादी नहीं मिलती। हो सके वे भूल गए हों इस बात को कि वे भी उनके जो पार्टी में लोग हैं वे भी सब आंदोलन जीवी ही। 2013 में जब आंदोलन चल रहा हो ना कांग्रेस के खिलाफ, तो वे सारे वहीं बैठे हुए, अब कहते हैं हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की। भैया हमारे मोदी जी है वे देश के प्रधानमंत्री, तुम्हारे अकेले इनके मोदी जी ना है वे, ठीक है। दूसरी बात, कम से कम हम जो उद्योगपति जीवियों के ऊपर तो नहीं जीते, हम जो हैं बुद्धिजीवी हैं आंदोलनजीवी हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर जीने वाले परजीवी तो नहीं है। एक आखिरी सवाल हो रहा है मेरा, दो पूछ लो किस तरीके से दिखाओ, जिस तरीके से बीते कुछ दिन पहले आप विवादों में रही थी, विवादों में क्या होगा, विवादों में जिस तरीके से बीते कुछ दिन पहले रही थी आप, कहीं बहुत सारे किसान नेताओं ने ये भी कहा था कि हमें नहीं पता पूनम पंडित कौन है। अच्छी बात है, देखिए वो बड़े बड़े नेता, सुन लीजिए बड़े भाई, देखिए बड़े नेता जब हो जाए करें, हो सके नहीं ध्यान हो बिजी ज्यादा, जिस भी व्यक्ति ने कही मुझे तो पता ना किसने कही ना, मैं ऐसी नेगेटिव वाली वो रखती। देखिए अगर हम गलत नहीं है तो हम नेगेटिव के बारे में सोच नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम गलत नहीं है। अब हो सके भैया बड़े नेता भूल गए हूँ, बच्चा हूँ मैं तो उनका, मेरे से तो बड़े हैं, सबसे मुझे सीख मिलती है, सभी मेरे सीनियर हैं, सभी मुझसे बड़े हैं, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ जो मुझे ध्यान रखेंगे, मैं तो किसान की छोरी हूँ, मौका ध्यान रखेंगे वे। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं उसको, जिस तरीके से आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ी जैसा अभी यहाँ पे देखा गया, आपके आते ही सब लोग भीड़ का एक तांता लग गया, ये तो प्यार है इनका, इसको मानती हैं कि ये किसान बड़े बड़े किसान नेताओं के जो इस तरीके से बयान आ रहे हैं उसकी वजह सिर्फ यही है। देखिए मेरे को तो बड़े बड़े नेता ने कुछ कही नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया, मेरे को नहीं कही किसी ने भी कुछ भी, तब मैं कैसे कह दूं बड़े नेता ने कही छोटे नेता ने कही है, मेरे को नहीं कही। लेकिन जो लोग मुझे रोकना चाह रहे हैं ना, और जो लोग एक युवा की आवाज़ को दबा रहे, महिला की आवाज़ को दबा रहे, ये जितनी जनता है देश की, लाखों करोड़ों लोग, मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे, युवाओं का इतना साथ मिला हुआ, महिलाओं का जो प्यार मिला हुआ ना भैया, ये एसिडिटी कर रहे हैं मुझे लाड़ प्यार करके उन लोगों के, तो मैं तो धन्यवाद करूंगी देश की जनता का जो मुझे इतना लगाव प्यार करती है, बार बार धन्यवाद उन्हें भी करूंगी जो मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे से चिढ़ते हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद करूंगी भैया। ये उनकी सोच है ये मेरी सोच है, सभी मुझसे बड़े, मैं सभी का सम्मान करती हूँ।